कई खास मुद्दों पर फैसला सुनाने वाले देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा आज यानी सोमवार को आखिरी दिन था। कल से रंजन गोगोई देश के चीफ जस्टिस के रूप में काम संभालेंगे। दीपक मिश्रा सोमवार को अपने कार्यकाल के आखिरी दिन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उनके साथ अगले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई भी थे। इस मौके पर एक वकील ने उनके लिए गाना गाया। चीफ जस्टिस ने वकील को रोक दिया, कहा अभी मैं दिल से प्रतिक्रिया दे रहा हूँ, शाम को दिमाग से बोलूँगा। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने अपने कार्यकाल के आखिरी 10 दिनों में आधार और समलैंगिकता जैसे मुद्दों पर फैसला लिया। कार्यकाल के अंतिम दिन वे भावुक नजर आए। 25 मिनट चली अदालत कार्रवाई के अंत में एक वकील ने गाना गाया, तुम जियो हजारों साल। इसी दौरान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने उन्हें रोक दिया। कार्यवाही के दौरान वकील आरपी लूथर ने वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह और प्रशांत भूषण के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ किए गए विवादित ट्वीट का भी जिक्र किया, जिनमें भीमा कोरेगांव हिंसा मामले समेत हालिया फैसलों की आलोचना की गई थी। एसपीएन 9 न्यूज रूम से अनुज मिश्रा की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।